गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये सिस्टम को फॉलो करने से पहले आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर इसको चेक कीजिए दोस्तों, फिर यह सिस्टम को आप फॉलो कीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके, विश यू वेल्थ। अच्छा, कितने लोगों के शादी हो चुकी है, कितने लोगों के बच्चे और स्कूल भी जाते हैं? तो ये हमारी छोटी सी क्लास है, राइट? तो हम स्कूल को जब बच्चों को भिजाते हैं तो कैसा क्या देंगे भिजाते हैं? क्या देंगे भिजाते हैं? नोट। टिफिन के अलावा बुक नोटबुक में क्या लिख के लेके आता है वो? जो टीचर सिखाते हैं। आज आप जो सीखेंगे ना, आपके टीम को, आपके ग्रुप को, आपके लोगों को, यही चीज को हमको सिखाना है। तो नेक्स्ट टाइम से मेरी हर किसी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज बोली जाए, जो आपको अच्छा वर्ड लगता है, जो लाइन सेंटेंस कुछ भी आपको अच्छा लगता है, वो प्लीज नोट कर लीजिए। क्योंकि एक चीज है, हम एक बहुत बड़े सेमिनार में गए थे तो वहां पे एक चीज बोला है, जो ये दिमाग जो है आपका याद रखने के लिए है, राइट? इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी चीजें अगर स्टोर करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे, राइट? तो ये इससे और बड़े बड़े काम भी करा सकते हैं ना, क्रिएटिव काम भी करा सकते हैं ना, राइट? तो इसको याद रखने के लिए काम करने के बदले अगर वही चीज को अगर कोई बोल रहा है जो अच्छी लगी, अगर वो एक रुपए के पेन से और एक चमनी के पेपर के ऊपर अगर नोट डाउन किया जाए, राइट? इस दिमाग से कभी भी स्लिप हो सकता है, लेकिन पेपर पे से कहीं स्लिप होएगा? नो। तो क्या होगा? परमानेंट क्या चीज है? पेपर है। और पेपर को इस्तेमाल करना अच्छी चीज है? यस। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आज जो भी होली हमारे बुक्स है, इमेजिन करिए हमारे गुरु, हमारे जो भी है, हमारे गॉड जिन्होंने ये सब बुक्स लिखी, अगर वो अपने माइंड में रख के अगर चले जाते तो आज हम क्या करते? नहीं कर सकते ना। तो हम थैंक्स करते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सब पेंडम कर दिया, जिसकी वजह से आज हम वो टीचिंग लेके अपनी जिंदगियों को हम बेटर कर सक रहे हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग ले सक रहे हैं, करेक्ट है? Yes, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, हमने नोट डाउन करना है, राइट? तो आज जिसके पास नहीं है ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है सो स्कूल का काउंटर भी लगेगा, वहां पे आपको पैड भी मिल जाएगा, पेन भी मिल जाएगा, राइट? खरीद लेना, राइट? तो अभी हम थैंक्स करते हैं इस स्कूल का, राइट? ये है स्कूल ऑफ बिजनेस, इसका नाम है विनिंग की। कितने लोग जो है सो एमबीए की पढ़ाई किया है, राइट? कॉलेज गए हैं, राइट? अभी मेरे को एक चीज बताइए, जो आपके कॉलेज में जिस किसी का भी एमबीए किया है, राइट? बिल्कुल, पहले एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? राइट, मास्टर ऑफ बिजनेस, राइट? इसके अंदर एक बिजनेस आता है, बिजनेस करने वाला बिजनेस सिखा सकता है या नहीं, तो थ्योरेटिकल आपको सिखा सकता है, थ्योरेटिकल, राइट? इसके लिए देखिए, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेनर हैं, वो घरों से ही चलते हुए आ रहा है, बाहर वाले लाख में, 10 लाख में, करोड़ में एक बंदा उभर के आ रहा है, करेक्ट है? Yes. इसके लिए जितने बड़े लोग आज देखिए, उनके ही कंटिन्यूएशन, जनरेशन ही कंटिन्यू होते जा रही है, क्यों? कि उनकी ट्रेनिंग उनके घरों में मिलती है, जो थॉट प्रोसेस है ना, उन्हीं के घरों में उनको मिलता है, वो कहां से मिलता है, उनके माहौल से, पेरेंट्स से, एवरीथिंग बोलते हैं वहां से मिलता है, करेक्ट है? दैट्स व्हाई वो एंटरप्रेनर ही पैदा होते हैं, राइट? तो अभी हमारे पास वो स्कूल के अंदर जाने के लिए या नहीं तो हमारे हाथ में नहीं है अभी हम वो खानदान में जा सके, लेकिन हम वैसे स्कूल में जा सकते हैं जहां पे ऑलरेडी करोड़पति प्रोड्यूस करने की मशीन्स तैयार हो गई हैं, लोग जो है सो ऑलरेडी, जैसे हमारे पास हमारी ग्रेड अपलाइन जिससे एसपी भर है, राइट? ऑलरेडी 4.1 करोड़ का जो है सो उनकी इनकम हो गई है पर एनम, राइट? और वो हमको बताते हैं कि आप भी ऐसे जनरेट कर सकते हो, राइट? तो अभी हमारे में और उनमें क्या फर्क है? वो भी 9 महीने पेट में रह के पैदा हो गए, राइट? हम भी, करेक्ट है? अभी उन्होंने क्या एक्स्ट्रा किया, हमने क्या एक्स्ट्रा नहीं किया? थिंकिंग अलग है, सिंपल एक ही चीज है। अभी ये थिंकिंग को उन्होंने क्या किया, मैंने जो किया है उसको क्या किया है, ये 4 स्टेप्स में कर, राइट?
अभी ये 10 कोर स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, हमने भी यही किया है, जितने यहाँ पे बैठे सक्सेसफुल लोग हैं बिलिंग टीम में, जितने सक्सेसफुल लोग हैं सभी ने यही काम किया है, और आप यही काम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, विद भरोसा करते रहेंगे, तो 101% यहाँ पे बैठा हुआ आने वाले 2 से 3 साल के अंदर सब करोड़पति होंगे। आप सब यकीन करते हैं कि हम करोड़पति हैं? यस यस, आप ऑलरेडी करोड़पति हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे बिलिंग टीम का जो है तो एक 10 कोर स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बताए लाइफ में, हमको कुछ भी करने का है सबसे पहले हमने किसके ऊपर काम करना है, अपने आप पे काम करना है, राइट। मैं अभी आपसे पूछता हूँ जिंदगी के अंदर क्यों करना इम्पोर्टेंट है, कैसे करना इम्पोर्टेंट, क्यों क्यों करना इम्पोर्टेंट, क्यों करने वाले हाथ उठा, वेरी गुड, कैसे करने वाले अब हाथ उठा, चलो वेरी गुड। अभी एक चीज पूछता हूँ, आप सब कहीं घूमने के लिए निकले कभी, या तिरुपति या नहीं तो कहीं निकले में कहीं पे भी गए हैं, कहीं अपने अपने जगह पे गए हैं, कैसा गए, ट्रेन पे गए, करेक्ट है, अभी जाके ट्रेन में कैसे किया, ट्रेन खड़ी सो थी उसके ऊपर चढ़ गए, नहीं क्या किया आपने, टिकट बुक करा, 1-2 महीने पहले प्लान किया, राइट, प्लान करने के बाद में आपने गए टिकट विंडो पे गए, जाके उसको सीधा बोला यहाँ की टिकट दे दो, कहाँ की, कहाँ गए, तिरुपति गए, तिरुपति की टिकट दे दो, तो उसने क्या किया, तिरुपति की टिकट मार के निकाल के दे दी, क्या किया, क्या पूछा, बुकिंग कराए, आप बुकिंग करने के लिए गए ना, आप काउंटर पे गए थे, क्या पूछा आप, पहले एक फॉर्म दिया, करेक्ट है, फॉर्म के ऊपर सबसे पहले लिखे से होता है, क्या लिखे से होता है, कहाँ से कहाँ जाना है, फिर उसके बाद में क्या लिखा होता है, नीचे डेट होती है, करेक्ट है, फिर ये डेट भी हो गई तो उसके बाद में क्या होता है, उसी क्लास में जाना है, कौनसी कौन से आते हैं, रिटायर आता है, स्लीपर क्लास आता है, फिर एसी आता है, नॉन एसी आता है, ये सब पूरी चीज पूछता है, करेक्ट है, राइट, फिर इसके बाद में भी पूछता है क्या है, मिडिल में, जब मिडिल क्लास, मिडिल बर्थ लेना है, अपर बर्थ लेना है, लोअर बर्थ लेना है, करेक्ट है, ये सब चीजें हैं, एक छोटे से 500-600 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं, तो वो पूछता है, वो उसकी ड्रीम नहीं है, आपकी ड्रीम है, आपकी वाई क्लियर कर रहा है, क्यों आपने जाना है, कैसे जाना है, राइट, तो इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कैसे करने वाले हैं ना उनको कुछ पता नहीं है, राइट, वो कैसे लोगों से काम कराते हैं, जिनको सब कुछ पता है, हाउ वाले, राइट, हाउ वाले क्या करते हैं, इसके लिए 97% आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें सब कुछ लिखाएगा। सबसे पहला हमको क्या काम करना है, हमारे पास हमको आने वाले 6 महीने, 2 साल और 5 साल में हमारे क्या क्या चीजें जो हम अपनी लाइफ में आज तक नहीं पूरा कर सके हैं, राइट, वो ऐसे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं Yes. जो आपको बैठने नहीं देते हैं। पहले बात, सपने क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सपने क्या होते हैं, इस तरीके की क्लास आने से पहले मैं भी बोलता था, सपने जो रात में आराम से एसी के रूम में बैठे तो सो गए तो आते हैं, करेक्ट है, वो होते हैं नहीं, जैसे सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं, करेक्ट है, राइट, तो वो ऐसी कोई चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको सोने नहीं दे रहे हैं, राइट, वो सबको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे कुछ है क्या आपके जो लगता है लाइफ में, अभी जो कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं लेकिन हमारी जिंदगी में ये सब चीजों की जरूरत है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कुछ है क्या, है एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसा कि मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, प्राइवेट जॉब करते हुए भी मेरी फैमिली को और मेरे माता पिता की मैं ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, एक जो है सर यहाँ माँ बाप की कुछ सपने, मेरी वाइफ के कुछ सपने हैं जो मेरी सैलरी से मैं पूरे नहीं कर पा, नहीं कर पा, तो मैं वो चीज़ों को पूरा करने के लिए और मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं उनके भी पूरे करने के लिए मैं उससे जो जुड़ना चाहता हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, जो भी सपने हैं वहां से पूरे नहीं हो रहे, 101% हम सब मिलकर पूरे करेंगे, यस, यही है, राइट, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको पहले चेकअप करना पड़ेगा, राइट, वो बनाना पड़ेगा,
वो लिख के एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको चिपकाना पड़ेगा। अगर किसी के ड्रीम्स है, नहीं है बोल के भी है, किसी के ड्रीम्स, किसी के सपने नहीं है बोल के भी है, नहीं है तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, राइट। इस धूप में कितने लोग मोटरसाइकिल पे आते, वेरी गुड। अभी रेड लाइट के ऊपर खड़े से हैं, बाजू में एक कार खड़ी रहती है एसी में, वो जो है सो पूरे ग्लासेस बंद है, आराम से वो गाने सुन रहा है और ठंडी में बैठा है, दिल क्या करता है हमारी भी एक गाड़ी हो तो अच्छी थी, सपना ही है ना, यस राइट। तो ये सब चीजें हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, स्विट्जरलैंड का सीन आता है, करेक्ट है, हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं ठंडी जगह पे, राइट। दिल में क्या आता है, उसको निकालना, मेरी फैमिली के साथ में मैं वाइफ सन हस्बैंड चल रहे, करेक्ट है, नहीं है। एक चीज है, आप बोलो मत बोलो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे भी कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, अपने आप को वहां पे पाना शुरू कर देते हैं, करेक्ट है, लेकिन बोलते हुए शर्माते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जब कभी भी आप अपने लोगों के अंदर ये बात करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे हो जाते हैं आपके सपने, यस आप पूरे कर सकते हैं, बोलते एंकरेज करते हैं, नहीं करते हैं, फिर आपकी खानदान को गिनते हैं, करेक्ट है, तेरे बाप दादा ने किया था जो तू करेगा, करेक्ट है, वो कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट यहाँ पे आने के बाद में आपको ये मीटिंग के अंदर एक ही काम करने को मिलेगा, आपको क्या करेंगे, हमेशा ऊपर करने की कोशिश करेंगे, ये साफ कर सकते हैं, राइट। अगर आपका कोई काम नहीं भी हो रहा है, इस तरीके की मीटिंग्स में आप और ज्यादा आना शुरू कर दो, लोगों के साथ अटैच अपनी अपने आप, जिस किसी के साथ में आए उसके साथ में और ज्यादा मिलना शुरू कर दो। जनरली क्या होता है ब्रदर, जब काम नहीं होता रहता है ना, तो हजूर क्या करते हैं, हम पीछे होना शुरू हो जाते हैं। अगर पीछे होते हैं तो क्या हमारे सपने पूरे होंगे, नहीं होंगे। हम जिस चीज को चाहते हैं ना, राइट, हम ये एग्जाम्पल अच्छा सा कर दे सकते हैं, राइट। कितने लोगों ने अपने यंग एज में किसी के साथ में, मतलब किसी ने प्यार किया है, राइट, लव मैरिज किसी की होती है, वाह लव मैरिज हुई, राइट, तो इजीली हो गया, आप जैसे प्रपोज किया वैसे ही सब कुछ हो गया, राइट। न्यू आना क्या किया, बहुत सारे पापड़ बेले, करेक्ट है, बहुत सारे पापड़ बेले, राइट, वही चीज हासिल हुई ना फिर आपकी, राइट, सेम वैसी चीज है, यहाँ पे भी वही चीज को हमने इसी तरीके से करना है, राइट। जितना लोग ना बोले और जो है सो एग्रेसिव हो जाना है और लोगों के साथ बात करना है, राइट, करते रहेंगे आपकी जिंदगी, ये क्यों करेंगे, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना है, राइट। अपने ड्रीम सबसे पहले लिख लिए, आज शाम में जाइए, घर में बैठिए, लिखिए और उसको चिपकाइए, उसके ऊपर एक डेट डाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका गोल हो जाएगा, राइट। एग्जाम्स के अभी पीरियड चल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं अभी, क्या करते हैं, सब पढ़ाई की तरफ लगे, सेम हमारा भी वैसे ही है, अगर ये लिखते चले जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के अंदर भी वही ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड आ गया, यहाँ पे हमारे पास कमिटमेंट है, कमिटमेंट किस चीज की है, बुक्स की है, बुक्स में हमारे को क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, राइट। जो हमारे पास नहीं है वो हम कहां से पाएंगे, बुक से पाएंगे, राइट। जो बोलते हैं सबसे अच्छा बुक रीड करता है, जितना ज्यादा बुक रीड करता है वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे नॉलेज हासिल करता है, नॉलेज हासिल करेंगे तो आपके इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत बड़ी है, और उसके साथ साथ में जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल है उन्हीं को सीरीज है, राइट। कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं या 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। हो सकता है आप बिजी हों, राइट, वो फ्री हुए, हो सकता है वो फ्री बिजी हुए, आप फ्री हुए, तो अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा तो कब सीखेंगे एक दूसरे से। तो उसने क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, एक सीडी बना दिया, कहां पे जो सक्सेसफुल सेमिनार होते हैं वहां पे एक सीडी रिकॉर्ड कर दिया। आप अपना मोबाइल ऐप के ऊपर, कितने लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, राइट, वहां पे आपको विनिंग टीम का मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहां पे आप ज्वाइन करेंगे, उसके 15 दिन के बाद में आपको एक्सेस करने के लिए भी वहां पे आपको आपका आईडी नंबर और ओटीपी मारेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वहां पे से आप सीडी सुन सकते हैं आपके कन्वीनियंट टाइम के ऊपर, जहां पे आप अपने सीखेंगे, नॉलेज लेंगे और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसके साथ साथ एसोसिएशन, आज कितने लोग फर्स्ट टाइम आए, अच्छा लग रहा है, राइट, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है,
अगर हम क्या बोलते हैं एसोसिएशन की पावर कैसे है, अगर फॉर एग्जांपल हम पीते नहीं हैं, राइट, अगर हम पीने वालों के साथ में महीना दो महीना तीन महीने पांच महीने बैठना शुरू कर दे तो छठे महीने क्या होएगा, राइट, पक्का है। सेम हाल जुआरियों के साथ, करेक्ट है। अभी मेरे को एक चीज वाली है, ये अगर एसोसिएशन चेंज करके अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ में छह महीने साल भर अगर बैठना शुरू कर दे तो हमारी गिनती किसमें आएगी, सिंपल सक्सेस लाइफ में बहुत अच्छी चीज है ना, यस राइट। तो यहाँ पे अगर एसोसिएशन में आते हैं मीटिंग हमारे पास, ये हम शुरू करते हैं वन ऑन वन से शुरू करते हैं, सेकेंड होम मीटिंग हो गई जहाँ पे आठ दस लोग होते हैं, फिर इसके बाद में ये ओपन मीटिंग हो गई, इस तरीके के बाद में हमारे पास टीचिंग के जो सेशन होते हैं वो आपको आएगा, ईडीएस आएगा, अभी ये जो प्रोग्राम आ रहा है हल्ला बोल आएगा, मेगा फंक्शंस होते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हुए, अभी लास्ट टाइम की वजह से दिल्ली में हुआ है, इंदौर में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, राइट, तकरीबन 25,000 लोग जो है सो बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो उन्होंने लाइफ अपनी टोटली चेंज की, कितने लोगों ने अटेंड किया, वाओ, आपकी के बीच में देखिए आपकी जिंदगी में फर्क आया, राइट, देखिए आप कुछ लोग हैं लेकिन आवाज बोल जा रहा है, ये पावर है, राइट। तो ये इसके बाद में आता है गोल डायरेक्टर के ऊपर, और एक एक प्योर टीचिंग्स रहती हैं, और वो होता है क्राउन डायरेक्टर के लिए, क्राउन गो क्राउन रहता है, राइट। इस तरीके के मीटिंग्स आपको स्टेप बाय स्टेप लेवल्स के ऊपर 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 जाते रहेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आते रहेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 100% हमने क्या करना है, कमिटमेंट लेना है इस चीज की, हमारी जहां से जिंदगी बदलेगी, कहां से जिंदगी बदलेगी, प्रोडक्ट यूज करने से। आप 30 साल से 35 साल से 45 साल से 50 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज करके आपकी जिंदगी में बदलाव आया, आया नो, आया अगर नो है, अगर चांस दे के आप अपने अंदर बेटर प्रोडक्ट, ये और प्रोडक्ट भी बेटर प्रोडक्ट है, राइट। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप जो प्रोडक्ट इससे पहले यूज कर रहे थे वो आपकी लाइफ के लिए आपकी फैमिली के लिए अच्छे हैं, क्यों, केमिकल ही है, यहाँ पे ये सब चीजें नेचुरल, आपको नेचुरल प्रोडक्ट क्वालिटी 1000 times बेटर एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको मिल रही है तो बेटर रहेगा, यस सिंपल। तो प्रोडक्ट हमने यूज इसलिए भी कर रहे हैं, ये बढ़िया प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन मैं यूज इसलिए करता हूं कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टेज किसकी है, मेरी है। अगर आप अपने आप में अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता, राइट। तो ये आरबी की कंपनी है, और प्रोडक्ट्स के लिए अगेन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिलेगा, सीएनटीज है, वो भी हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट करेंगे, राइट। अभी इसके बाद में आता है लिस्ट बनाना है, किस चीज की लिस्ट बनाना है, किस चीज की लिस्ट बनाना है, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, एक लिस्ट तो ड्रीम की बना ली, अभी रॉ मटेरियल की भी लिस्ट बनाना है, रॉ मटेरियल कौन है, लोग हैं, राइट। अभी हम इसमें एक चीज थैंक्स करते हैं, किसी ने हमारे बारे में सोचा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने क्या किया, अपनी लिस्ट में नाम लिखा, मेरा नाम लिखा लिस्ट में, उसके लिए मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, थैंकफुल हूं। अगर वो लिस्ट में नाम नहीं लिखता तो आज मैं क्या करता होता, संडे के दिन मस्त बिरयानी खा के घर में आराम से सोए सो रहता, राइट, और ऊपर वाले के साथ में ये चीज करते रहता कि ये सब मेरी जिंदगी में क्यों दे दिया है, करेक्ट है ना, राइट, अच्छी अच्छी चीजें क्यों नहीं दिया है, करेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक काम करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट किसकी बनानी है, लिस्ट बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए आप लिखिए फ्रेंड्स, राइट, अब फ्रेंड के सामने एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड, आज जो है रिलेटिव ऐसा करते जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। लास्ट जो आएगा वो है एस, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर, कितने लोग बिजनेसमैन है, वाह गुड। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, आप बिजनेस आपके रिलेटिव्स के भरोसे पे अगर करेंगे तो आपका बिजनेस एकदम फ्लरिश हो जाएगा, नहीं होगा, किसके भरोसे पे करते हैं, स्ट्रेंजर। तो हर काम जो भी होता है, हम जहां पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं, आपके रिलेटिव्स के पास जाते हैं या स्ट्रेंजर्स के पास जाते हैं, स्ट्रेंजर्स, राइट।
तो सबसे पहला काम क्या है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, अगर रिलेटिव अगर निकालें या फ्रेंड्स निकालें कितने निकलेंगे, 1000 2000 उससे ज्यादा निकलेंगे शायद नहीं, करेक्ट है। अभी अगर माइनस कर दें अपनी पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़, अगर माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, फिर उससे ही बचेंगे, करेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सीखना है लोगों के साथ में कैसे बात करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करने के लिए लोगों के अपने लिस्ट बनाएंगे, राइट, क्यों मतलब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, करेक्ट है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्ट होंगे। इसके बाद में हो गया उनको क्या करेंगे, हम इन्वाइट करेंगे, इन्विटेशन कैसे देंगे, इन्वाइट कैसे करेंगे, राइट, इन्वाइट करेंगे, फोन करेंगे और बोलेंगे सीधा वेस्टिज का बिजनेस है, आ जाओ हमारी एक मीटिंग है, इस तरीके से बोलेंगे, बोलेंगे तो आएंगे नहीं आएंगे, इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, लेना पड़ता है सामने, पहली बात बोलते ही क्या है फोन के अंदर, वो कहाँ पे कौन सी दुनिया में है हमको नहीं पता, करेक्ट है, वो अच्छे मूड में है, बुरे मूड में है, गुस्से में है या उससे लड़ाई हुई भी है, क्या है हमको नहीं पता। सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, इन्वाइट करने से पहले उसका हालचाल पूछेंगे, राइट टाइम है क्या पूछेंगे, राइट, बात करने के बाद में आगे कॉन्वर्सेशन लेके जाएंगे, पहली बात कहाँ है पूछेंगे, हैदराबाद में है, ये वीकेंड में क्या कर रहा है पूछेंगे, हाँ जी मैं हैदराबाद में ही हूँ, फ्री हूँ, बोले तो वापिस इन्वाइट करना, नहीं है तो बार बार इन्वाइट भी नहीं कर सकते, करेक्ट है ना। तो इसको क्या है, हम जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, सीखते रहेंगे इन्वाइट करने के लिए। और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप नए लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नए लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्माइल करना पड़ेगा, राइट, राइट, स्माइल करके अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा और अपना हमेशा एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बना के रखेंगे, राइट, जिससे आप अपना नाम पहले बोलेंगे, करेक्ट, नाम बोलेंगे तो क्या बोलेगा सामने वाला, मारने के लिए आएगा ना, क्या बोलेगा, नाम बोलेगा, क्या करते हैं पूछेंगे, सिंपल, राइट, कुछ करना पसंद करेंगे एक्स्ट्रा, ओपन माइंडेड है क्या, सीधा बहुत सारे सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों की, अगर वो बोले जॉब में है तो अब बहुत अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, राइट। मेरा कोई एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया कि वो भी जॉब में प्रेशर है, टेंशन है, क्या आपको भी है, तो क्या बोलेगा सामने वाला, नहीं नहीं मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, नहीं नहीं करेक्ट है ना। तो लेकिन मैं उसको देखते देखते 5-6 महीने में उसकी जिंदगी में बहुत सारा फर्क आ गया, राइट, क्या आप अपनी जिंदगी में चेंज लेके आना चाहते हैं, क्या बोलेगा, उसको बुला लेना, सिंपल है। देखो ये सब चीजें क्या है, हम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पहले तो हमारा हाथ ही नहीं उठेगा, सबसे पहली बात, फर्स्ट टाइम, राइट, पहले मुंह से आवाज भी नहीं निकले, राइट, यही स्टेज है जब हम फर्स्ट टाइम खड़े रहे थे, तो मैंने एक चीज बोला था, क्या बोला था, मैं और जो है सो मेरी वाइफ दोनों भी खड़े सोते थे हम पहले, मैं क्या बोला, मैं अपना नाम भी भूल गया क्यों बोलते, हर एक चीज की शुरुआत कहां से होती है, जब डर बोलते ना आप अपने सर पे उठा लेंगे तो क्या होगा, आपको डर दबा देगा, और अगर वही चीज को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हम परवान हो जाएंगे, सिंपल, हम चिंता ना करेंगे, तो वही काम करना है। तो ये इनवाइट करने के लिए भी आपको धीरे 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 करते रहेंगे, ये आप अगर पर्सनली भी मेरे से मिलके अगर कराना चाहते हैं किसी से भी हम बात कर सकते हैं, राइट, अगर सीखने के लिए कहीं इच्छा है तो भी हम, उसके बाद में क्या करना है, इन्वाइट कर देना है, बुला लेना है, कॉन्टैक्ट कर लिया, बुला लिया, उसके बाद में क्या करना है, अभी जो प्लान दिखाया है इसकी शीट है, राइट, बैठा बैठ के हमने क्या करना है, 2 मिनट में उसको 15 मिनट के अंदर बता देना है, राइट, मैक्सिमम 15 मिनट से लेके 45 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, उसका प्लान कंप्लीट कर देना है, राइट, घंटे घंटे पूरा मत बताओ, कहां से चालू हुए थे, गौतम बाली जी का हिस्ट्री क्या है, उसके बाद में हर चीज सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में, वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए आया है, बस उसको वही है, उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती उसके बारे में फोकस बदलिए, आप अपने घर के प्रोडक्ट यूज करके आपकी जिंदगी बदली, यस वही चीज बताओ, वो उसको पूछेंगे तो नहीं बदली है बोले, करेक्ट है, मेरी बदल रही है, बहुत सारे लोगों की बदल रही है, क्या मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बुला लो, राइट, आए तो बेस्ट,
नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट सिंपल हमारा कुछ जाएगा राइट। तो सेम हमने क्या करना है, प्लान दिखाना है, सिंपल रखना है और उनको पूरी इंफॉर्मेशन देना है। इसके बाद में क्या करना है, उनको स्टार्ट कराना है। स्टार्ट कैसे कराएंगे हम राइट, सबसे पहले बेसिक की किट आती है 200 रुपए की, वो किट देंगे जिसमें पूरी कंपनी की हिस्ट्री रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, पैसा कैसा आता है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कैसा ज्वाइनिंग कराना है, वो सब पूरी हिस्ट्री है। ये है कंपनी का पार्ट। अभी इसके बाद में आएगा एजुकेशन का, उसकी भी एक स्टार्टअप किट आती है जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी ये बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, कंपनी पैसे कैसा देती है निकालने के लिए आपको टूल्स चाहिए राइट। तो वही टूल्स आपको वहां से मिलेंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट करना है, वो तकरीबन आपको 500-550 रुपए की, 450 रुपए की किट है, उसके साथ में कुछ और 150 टूल्स देंगे जिसे तकरीबन 600-700 रुपए की इनिशियल, यही हमारी इन्वेस्टमेंट है राइट। और ये अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किए हैं तो आगे हम बिजनेस को भी बढ़िया तरीके से लेके जा सकते हैं। अभी इसके बाद में आता है काउंसलिंग विद अपलाइन। अपलाइन कौन होता है, अपलाइन कौन होता है, इनवाइट करने वाले अपलाइन नहीं होते, जिसने आपको बिजनेस स्टार्ट किया है वो आपकी अपलाइन है राइट। अभी यहाँ पे अपलाइन काउंसलिंग करने का जरूरी नहीं है, आपको जो बिजनेस लेके आया, अभी हमको जिसने बिजनेस में लेके आया वो कहाँ पे है हमको नहीं पता राइट। हमको उसने क्या किया, मेले में लेके जाके छोड़ दिया है, बता दिया है ये है मेला, अब इसके बाद में तुम्हारी मर्जी है एंजॉय करना करेक्ट है। हमने क्या किया, वो मेले में से एंजॉय करना शुरू कर दिया, हम अपनी जिंदगी वहां से देखना शुरू कर दिए, हम थैंक्स करते हैं वो मेले तक हमको लेके आया करेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज है, आपने अपनी अप्लाई से काउंसलिंग करने का मतलब एक ही चीज है, जो आपके बिजनेस में एक्टिव है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, आपने उसके साथ में टच में रहना है राइट। उसके साथ में आपने काउंसलिंग कर रहा है, वो एक्साइटेड है और अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहा है जो हमारी जिंदगी में भी बदलाव लेके आ सकता है राइट। उसके साथ में आप रहेंगे ना राइट, तो यहाँ पे वो सिस्टम के साथ में वो कहीं पे भी हो सकता है। माइट भी आपको जो ये बिजनेस में लेके आया वो नहीं हो सकता है, उसके ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर हो सकता है, सबसे ऊपर एसपी भाले में उनके साथ में भी आप कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर कोई हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार है, क्या आप हेल्प लेने के लिए तैयार है? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे काउंसलिंग करना है अपलाइन और इसके बाद में रहना है अकाउंटेबल। अब अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, लेन देन। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, और किसी के पास से कुछ डिफरेंट? अकाउंटेबल का मतलब है अभी तक हमने जो चीजें भी किए हैं वो हमने उसके हम पक्के रहना है। यहाँ पे लेन देन का काम नहीं है, ये बिजनेस कैश एंड कैरी है। आपको बेसिक से उधार मिलता है? No. नहीं मिलता है, तो फिर लेन देन की बात कहाँ से आई? हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ना लोगों को राइट। हम किसी के घर का सौदा लेके आके देते हैं? नहीं लेके देते। हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, आगे मिला देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग कैश एंड कैरी है राइट। सेकेंड थिंग, अकाउंटेबल किसके लिए है, हम अपनी जबान के पक्के हैं, हमने किसी को प्लान के लिए इन्वाइट किया है, हमने किसी को जो है सो टाइम दिया है, वहां पे हमने क्या करना है, टाइम पे पहुंचना है। किसी की अगर टिकट ली है तो हम अपने रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है वहां के है, तो आपको अगर मिली है तो आपने क्या करना है, इमीडिएट उसका काम सेटल कर देना है। कोई भी चीज है, अकाउंटेबल रहना है। हम अपने सपनों के तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, हर चीज के लिए हम क्या है, खुद ही अकाउंटेबल रहना राइट। तो इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे है LTD। ये दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है, सीख के सिखाने का काम कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है, और स्पेशली अपने जैसे लोगों को तैयार करने का तो काम कहीं पे भी तैयार ही नहीं होता है, होता ही नहीं करेक्ट है। एक्सेप्ट घरों में, माँ अपनी बेटी को सिखाती है करेक्ट है, लर्न करती है, टीच करती है, डुप्लीकेट तैयार करती है अपने राइट। बट एक बिजनेसमैन किसी को डुप्लीकेट करने के लिए एनकरेज करता है?
नहीं करता है। क्यों? अगर उसने डुप्लीकेट कर दिया तो क्या होगा, महीने के बाद उसके सामने ही दुकान चालू हो जाएगी। करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे एक काम है, सबसे पहली बात राइट सीखना है, फिर उसको क्या करना है, हमने राइट टीचिंग करनी है और अपने जैसे लोगों को खड़ा करना है, राइट। अगर ये सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं होता तो आज जितनी बड़ी मेरी टीम है, आज जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे के अभी लीडर बताया है, भार्गवी जी ने बताया है कि अभी चरण जो है सो छत्तीसगढ़ में मीटिंग चल रही है, करेक्ट है। एक जो है सो सचिन ने बताया गजवेल में मीटिंग चल रही है, एक हमारी अभी ओल्ड सिटी में मीटिंग चल रही है। इस तरीके से हमारे मोर देन 57 to 70 के बीच में मीटिंग चल रही है। अगर मैं ये एजुकेशन का पार्ट नहीं रहता था, एजुकेशन का पार्ट नहीं रहता था तो मेरे 70 टुकड़े करने पड़ते और एक एक टुकड़े को वहां पे लटकाना पड़ता था जिससे मैं बोलना पड़ता था, करेक्ट है। तो ये पॉसिबल है नहीं है, तो इसके लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने जैसे हीरो बनना नहीं है, क्या करना है हमने, हीरो राइट। तो यहाँ पे अगर ये 10 काम करते हैं, और ये 10 काम कब करने हैं हमने, कब करने हैं, रोज, आवाज पूरी नहीं है, डेली करना है, क्या करना है, रोज करना है, हर रोज करना है, बिना नागा करना है, राइट। अगर ये करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव 101% आपको आ जाएगा, राइट। एक ये चीज की सिस्टम जो हमारे को सिखाता है ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव गिरना तो लाजमी है, होता है रहेगा, होगा भी, करेक्ट है, राइट। बट ये सिस्टम हमारे को सिखाता है हम जितने वक्त भी नीचे गिर जाए, नीचे गिरने के बाद हमको ढेर नहीं होने देता, एक वक्त हिम्मत देता है हम वापस एक बार और, यस। आप एक अच्छे काम में हैं, आप एक लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हैं, तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगी, एक एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मिलेगी, करेक्ट है, राइट। आप वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस, पक्का है, यस, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टेप करना है, इसके बाद में और बहुत सारे स्टेप है, लेकिन ये हमने क्या करना है, रेगुलरली करना है, बिना नागा करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, अकाउंटेबल है रहना है, क्योंकि ये चेक करने के लिए कोई भी आपके पास आएगा नहीं, राइट। इसके जवाबदार कौन होंगे, खुद, हम खुद। आप अगर करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत जो है सो सक्सेसफुल जल्दी आएगी, नहीं करेंगे स्लो करेंगे तो स्लो आएगी, राइट। अभी ऐसे अगर लगाया जाए यहाँ पे वो आग का अगर कोयले लगा के रखे, राइट, और उसमें से आपको नंगी पैर चलने का है तो आप कैसा चलेंगे, दौड़ते हुए आराम से, मजे लेते हुए, ऐसे एंजॉय करते हुए ऐसे चलेंगे, करेक्ट है। तो सेम यही काम करना है, जल्दी जल्दी कर लो, कंपनी पैसा बांटने के लिए बैठे सो है, अभी हमारे पास हिम्मत है, हम जितना उससे जल्दी निकाल सकते हैं, राइट। तो निकालने के लिए तैयार है, यस, तो हम आपके साथ में है, और ये कोई भी चीज की आपको हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ में, आपकी जिंदगी के। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीम मैसिंग वेस्टेज फैमिली। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल लाइक कौन को दबाइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही एक बिजनेस प्लान है जिसको ये सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जल्द से जल्द सफलता हमको मिलती है दोस्तों, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ओके, विश यू वेल्थ।